बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन इंडस्ट्री के हिट एक्टर माने जाते हैं। उनकी कई फिल्में हिट हो चुकी हैं। ऋतिक रोशन अब यशराज बैनर की थ्रिलर फिल्म में काम करते नजर आ सकते हैं। ऋतिक ने यशराज बैनर की ब्लॉकबस्टर फिल्म वॉर में काम किया था। अब चर्चा है कि ऋतिक एक बार फिर यशराज बैनर की फिल्म में काम करने जा रहे हैं। यह एक बड़े बजट की फिल्म होगी। ऋतिक रोशन इसमें एक नए अवतार में नजर आएंगे। फिल्म रियल लाइफ इवेंट्स पर आधारित होगी। बताया जा रहा है कि यह फिल्म यशराज फिल्म्स के प्रोजेक्ट 50 का हिस्सा है, जिसका मकसद बैनर की 50वीं सालगिरह के जश्न को मनाना है। न्यूज एजेंसी वार्ता के अनुसार यश चोपड़ा के जन्मदिन के दिन इस फिल्म की घोषणा हो सकती है। इस दिन कई अन्य फिल्मों की भी घोषणा की जाने वाली है। वहीं हाल ही में ऋतिक रोशन स्टार ऑफ फिल्म कोई मिल गया के 17 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर एक्टर ने एलियन दोस्त जादू को याद किया था। राकेश रोशन निर्देशित फिल्म कोई मिल गया 2003 में रिलीज हुई थी। इसमें ऋतिक को एलियन दोस्त जादू से सुपर पावर मिलता है। फिल्म को याद करते हुए एक्टर ने इंस्टाग्राम पर लिखा था, कुछ दोस्ती स्पेस और समय को बताती है, उम्मीद है कि किसी दिन वह फिर मिलेगा। कोई मिल गया, धन्यवाद पापा इसे करने के लिए। ऋतिक रोशन ने कहा कि यह आपके बिना संभव नहीं था।